हेलो दोस्तों, मैं अंश और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज एसटीडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कोशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कोशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। दोस्तों, कोशिका यानी सेल कोशिका जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने बोतल पर लगी कार्क के कई छोटे छोटे सेक्शन कर उनका सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें मधुमक्खी के छत्ते की तरह छोटे छोटे कक्ष दिखाई दिए, जिस कारण उनका नाम कोशिका रखा। इसके बाद एंटोनी वान व लीवेनहॉक ने एक जीवित कोशिका का अध्ययन किया। 1837 ईस्वी में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक कोशिका में एक जीवित पदार्थ पाया जाता है, जिसे जीवद्रव्य कहते हैं। कोशिका विचारधारा। कोशिका विचारधारा 1838-39 में थियोडर स्वान व मैथास स्लाइडेन ने कोशिका विचारधारा प्रस्तुत की, जिसके अनुसार सभी जीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका जीवों की मूलभूत इकाई होती है, जिसमें सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। प्रत्येक कोशिका किसी न किसी पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। दोस्तों, आखिरी स्टेप ये नोट यानी विशेष। विषाणु कोशिका विचारधारा का पालन नहीं करते हैं, अर्थात यह उपकोशिकीय संरचना वाले अविकल्पी सूक्ष्म जीव होते हैं। कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, पूर्व केंद्रीय कोशिका और सुकेंद्रीय कोशिका। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं पूर्व केंद्रीय और सुकेंद्रीय कोशिका के बारे में विस्तार से, तो आप मुझे कमेंट करिए। और या अगर आप कोशिका के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट कीजिए। मैं कोशिका के बारे में और भी आपके लिए रोचक जानकारी लेकर आऊँगा। दोस्तों, अगर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।